हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप सब लोग। अगर मैं आपको एक ऐसा फोन बताऊं जिसमें डिस्प्ले भी बढ़िया हो, कैमरा भी बढ़िया हो, परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो और डिजाइन भी बढ़िया हो, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। आप में से बहुत से लोगों के ना कमेंट्स आते हैं कि यार कोई एक ऐसा बेस्ट फोन बताओ जो कि 30,000 के अंडर आता हो, जिसमें हमें सारी चीजें मिले, जिसमें सभी चीजें अच्छी हो, एक ऑल राउंडर स्मार्टफोन हो। तो यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किस लिए कर रखा है? नहीं कर रखा, अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी के अभी ना वीडियो को लाइक करो और तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक करो, वरना इसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। सो ये फोन है दोस्तों ओप्पो के तरफ से, ओप्पो रेनो 6 5G। अब मैं इस फोन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, क्या रीजन है इसके पीछे? सो मैं आपको इस फोन के बारे में टॉप रीजंस बताने वाला हूँ कि क्या वो टॉप रीजंस है जिसकी वजह से आपको इस फोन को बाय करना चाहिए। एंड जानने के बाद आप एक चीज जरूर कहोगे, क्या बात है। नंबर 1, डिजाइन। अब मैं डिजाइन के बारे में क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। 2000 years later. सच बताऊं दोस्तों, इसके डिजाइन को लेके मैं बस इतना कह सकता हूं कि इसका जो डिजाइन है, इसका जो लुक है, अंडर 30,000 रुपीज में सबसे बेस्ट कहूंगा मैं। बेस्ट गुड लुकिंग प्रीमियम डिजाइन वाला फोन अगर मुझे एक अवार्ड देना हो फिलहाल के लिए अंडर 30,000 रुपीज में, तो मैं रेनो 6 को दूंगा। इसका जो बैक साइड है ये ग्लास बैक है और मैट फिनिश के साथ आता है, और जब एक मैट फिनिश एक ग्लो डिजाइन के साथ मिलता है तो डेफिनेटली आपको एक प्रीमियम लुक एंड फील देता है। एंड इसी वजह से ओप्पो ने इसे नाम दिया है ओप्पो रेनो ग्लो डिजाइन। एंड सीरियसली देखने में ये काफी प्रीमियम लगता है, इनफैक्ट इसका इनहैंड फील भी काफी प्रीमियम है। एंड ये फोन दोस्तों 7.59mm थिन है, यानी कि ये फोन इतना पतला है, यू कैन सी। नेक्स्ट रीजन, डिस्प्ले। और एक फोन में अगर 90Hz हाई रिफ्रेश रेट हो और एक AMOLED स्क्रीन हो, दोनों का कॉम्बिनेशन एंड इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन दोस्तों आपको ओप्पो रेनो 6 में मिल जाता है, जहां पर आपको ओवरऑल एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस, मूवीज देखो, वीडियोस देखो, काफी एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है, एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। एंड डिस्प्ले आपको एक काफी स्मूथ एक्सपीरियंस भी देता है, बिकॉज इसमें आपको 90Hz हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से मुझे ये फोन पर्सनली काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट रीजन, और वो है कैमरा। ओप्पो के स्मार्टफोन अगर आपने देखे होंगे, जनरली ओप्पो के स्मार्टफोन में जो कैमरा दिया जाता है, मतलब एक चीज तो पक्का है कि भैया ओप्पो के कैमरे में आपको फीचर्स भर भर के मिल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मैंने जितने भी ओप्पो के फोन टेस्ट किए हैं, एंड इसमें आपको 64 मेगापिक्सल वाला AI ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, जो अल्टीमेट सिनेमेटिक बुके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड के साथ आता है, जहां पर आपको बुके फ्लेयर पोर्ट्रेट वीडियो मोड मिल जाता है, सिनेमेटिक बुके फ्लेयर इफेक्ट मिल जाता है, अपग्रेडेड AI हाईलाइट वीडियो मिल जाता है। तो दोस्तों आप फोटोज तो बढ़िया क्लिक कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप वीडियोज काफी ज्यादा शूट करते हो, शॉर्ट्स बनाते हो, प्रोफेशनल वीडियोज रिकॉर्ड करना चाहते हो, DSLR जैसी इफेक्ट चाहिए वीडियोज में, वो भी कर सकते हो इस फोन से। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस। वेल आजकल हर किसी को परफॉर्मेंस चाहिए, मल्टीटास्किंग करनी है, PUBG, BGMI, एक सेकेंड सेमी है, या फ्री फायर और भी भर भर के गेम्स खेलने होते हैं, मल्टीटास्किंग करनी होती है वीडियोस देखते वक्त, चैटिंग करते वक्त। सो फोन में परफॉर्मेंस अच्छी ना हो ना, फोन को बाय कर लेते हो, फिर बाद में पता क्या बोलोगे, मजा नहीं आया। और वो एक कैपेबल प्रोसेसर आपको इस फोन में दे रखा है। इस फोन में आपको MediaTek का Dimensity 900 प्रोसेसर दे रखा है, जो कि एक 6nm वाला प्रोसेसर है और ये 8GB रैम के साथ आता है। एंड हाँ, अगर फिर भी रैम कम पड़ जाए तो इसमें आपको रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि आप वर्चुअली फोन के रैम को बढ़ा भी सकते हैं। और हाँ, अगर आप फोन में गेमिंग करना चाहते हो तो गेमिंग भी आप अच्छी खासी कर सकते हैं HD सेटिंग्स में। और गेमिंग करते हुए अगर बैटरी खत्म हो जाए, बैटरी लो हो जाए, तो आप 28 मिनट में फोन की बैटरी को फुली चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इस फोन में आपको 65 वॉट का सुपर वूक 2.0 फास्ट चार्जर मिलता है, जो फोन को फास्ट चार्ज कर देगा। नेक्स्ट रीजन, 5G, और ये एक ट्रू 5G फोन मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। अगर आपने देखा होगा, मोस्टली जो स्मार्टफोन ब्रांड है 5G फोन तो लॉन्च करते हैं, बट एक या दो बैंड देके चिपका देते हैं आपको और बोलते हैं ये 5G फोन है। इस रेनो 6 5G में आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 13 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, पूरे 13 5G बैंड। और क्या चाहिए यार,
इस फोन को मैं ऐसे क्यों पटक रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट रीजन यही है एंड वो है क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ रेनो 6 सीरीज स्मार्टफोन। शायद आपको पता होगा ओप्पो की एक ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री है जहाँ पर एक ओप्पो QE रिलायबिलिटी लैब है, जिसमें बेसिकली ओप्पो रेनो 6 सीरीज के क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट को काफी अच्छे से टेस्ट किया गया है, जिसमें बेसिकली ड्रॉप टेस्ट है, वाटर प्रूफिंग टेस्ट है, एनवायरमेंटल टेस्ट है, मैकेनिकल स्ट्रेस टेस्ट है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, मतलब टोटल ये जो स्मार्टफोन है 150 टेस्ट से होके गुजरा है। एंड एक और चीज है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, ओप्पो का जो कलर OS है वो मैं कहूंगा कि यस, अगर आप इसे कंपेयर करते हो शाओमी के मी UI से तो उससे तो मैं कहूंगा काफी बेहतर है, जो डेफिनेटली आपको एक क्लीन UI एक्सपीरियंस देता है। सो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा था कि ये एक तरीके से एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है अंडर 30,000 रुपीज में और काफी इंटरेस्टिंग फोन है ओप्पो की तरफ से। इनफैक्ट इस फोन को अगर आप बाय करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पे इस पे आपको एक स्मार्ट अपग्रेड ऑफर भी मिल जाएगा। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को अभी तक नहीं करा, एंड बस खुश रहो, आबाद रहो, ख्याल रखो अपना, टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।